सरकारी विद्यालय का नाम आते ही लोगों के मन में सोते हुए स्कूल मास्टर और पढ़ने के बजाय मारपीट करते हुए बच्चों की तस्वीरें बन जाती हैं। लेकिन मऊ के गांव रकौली में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जो लोगों के मन में बनी इस सोच को बदल रहा है। जी हाँ, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, पंखों और प्रेरक पेंटिंग से सजी ये दीवारें किसी प्राइवेट नहीं बल्कि मऊ के शिक्षा क्षेत्र परदहा के रकौली प्राथमिक विद्यालय की हैं। यहाँ के विद्यालय प्रांगण में दर्जनों हरे भरे पौधे लगाए गए हैं। यहाँ मौजूद शौचालय व पानी पीने का प्लेटफॉर्म भी टाइल्स व मार्बल से चमचमाता है। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा व निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बच्चों को पढ़ने व अध्यापकों को प्रचुर शिक्षण सामग्री के लिए पुस्तकालय भी बनाया गया है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर व संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। विद्यालय का माहौल इतना अच्छा है कि बच्चे खुद ब खुद हर रोज पढ़ने के लिए खींचे चले आते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती है और हमें यहाँ पे म्यूजिक भी सिखाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको लगता है हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के सर मैम बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं। दरअसल साल 2013 में रकौली प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार सिंह ने विद्यालय का कायाकल्प करने की ठानी। इसमें उनका साथ दिया विद्यालय में सहायक अध्यापिका सदफ कौशल ने। निजी संसाधनों से विद्यालय में सबसे पहले ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पैटर्न पर आधारित पठन पाठन की शुरुआत हुई। तब से यहाँ पर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर बच्चों को गुणवत्ता युक्त एवं मनोरंजक शिक्षा दी जा रही है। सभी कक्षाओं में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है। दिक्कत ये है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई में नहीं था, क्योंकि वही पुरानी पद्धति चल रही थी। तो हमने यहाँ आने के बाद सिर्फ ये चेंज किया कि बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाया, पढ़ने का माहौल दे रहे हैं ताकि बच्चे आसानी से पढ़े। इस बारे में प्रधानाध्यापक सतीश कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने खर्च व अन्य लोगों के सहयोग से विद्यालय में विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बेहतर शिक्षा मिल सके, हमारे बच्चे बेहतर ढंग से सीख सके, इसलिए हमने अपनी तरफ से भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए सभी चार कमरों में हमारे प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर लैब है, ताकि उनकी समझ बढ़ सके। बल बढ़ता गया और मैं आगे आगे करता गया। बेहतर शिक्षा और अच्छी व्यवस्था के चलते आज यह विद्यालय पूरे यूपी के अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा बन चुका है।